तो देखो न्यूज निकल के आ रही है कि रिबॉन रिच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब बहुत से लोगों के माइंड में आ सकता है कि भाई कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो टेंशन ना लो, आपका जो भाई है आज सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है कि जो कोरियन ड्रामाज का सिस्टम है वो एक्चुअली में चलता कैसे है। मतलब ये वीडियो जो है आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थोड़ा सा कष्ट करना और पूरा देख लेना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। कमिंग बैक टू टॉपिक, क्या आपने कभी सोचा है कि जो साउथ कोरियन ड्रामाज हैं वो एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं? मतलब कुछ आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे जब रिलीज होंगे, बल्कि कुछ का तो अता पता ही नहीं रहता। हाँ, रिलीज हो रहे हैं, कब आए हैं, ये आपको नहीं पता चलता। मोस्ट फेमस जो हैं उनको साइड में रख दो, क्योंकि उनके बारे में तो जान ही जाते हो, लेकिन हाँ मोस्टली जो हैं वो आपको पता नहीं चलते कि कब आए कब गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ कोरिया में जो ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम है ड्रामास को लेकर के, वो दो नेटवर्क पर वर्क करता है। पहला है केबल टीवी, दूसरा है पब्लिक ब्रॉडकास्ट। अब देखो जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट है वो एक्चुअली में फ्री है, उसमें आपको मेनली केबीएस, एसबीएस और एमबीसी जैसे ड्रामास, प्रोडक्शन हाउस के ड्रामास देखने को मिलते हैं। लेकिन जो केबल टीवी का सिस्टम, उसमें आपको मोस्टली टीवीएन, जेटीबीसी और जो ईएनए के ड्रामास आते हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, जो केबल टीवी का सिस्टम है वो फ्री नहीं है, मतलब उनके ड्रामास देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लाइक आप मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हो कुछ नेटफ्लिक्स के जैसा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो जनरली पब्लिक ब्रॉडकास्ट में आते हैं ड्रामास वो आपको देखने को नहीं मिलते, बट इन केस अगर वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं तो आपके कान तक पहुंच जाते हैं, उनकी हिंदी डबिंग को लेकर आप परेशान होते हो और मुझसे पूछते हो। लेकिन जो केबल टीवी पर आते हैं उनके बारे में आपको पता रहता है, लाइक अभी रिसेंट में नेटफ्लिक्स पर क्वीन अम्ब्रेला वाला जो ड्रामा आया था वैसे। अब देखो जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट का सिस्टम है उसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बात करने वाले हैं हम केबल टीवी के बारे में। मतलब जो रिबॉन रिच है वो कहां पर धूमधड़ाका मचा रहा है और उससे पहले कौन कौन से ड्रामास थे जो कि हाईएस्ट रेटेड थे। माइंड में एक चीज जरूर रखना कि यहां पर मैं आईएमडीबी या फिर हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा की बात नहीं कर रहा, जिसमें आपको तरह तरह की लिस्ट मिल जाती है। यहां पर जो केबल नेटवर्क की रैंकिंग है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। रिबॉन रिच पर हूं, उससे पहले मैं आपको टॉप 5 हाईएस्ट केबल रेटेड कोरियन ड्रामास के बारे में बता देता हूं, जिसमें जो सबसे पहला यानी कि 5th पोजीशन पर आता है वो है गॉब्लिन, जिसको मेरे भाई 18.8% की नेशनल वाइड रैंकिंग मिली थी। 4th पोजीशन पर आता है रिप्लाई 1988, जिसको ऑलमोस्ट 18.9 कर सकते हो परसेंट की रेटिंग मिली थी। मतलब गॉब्लिन और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे। लेकिन जो 3rd पोजीशन पर आता है वो था क्रैश लैंडिंग ऑन यू, जिसको लगभग 22% की नेशनल वाइड रेटिंग मिली थी। इंटरेस्टिंग यहां पर ये हो जाता है कि जो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो आया था वो भी इन्हीं टॉप 5 में एडजस्ट होता है, तो उस पर मुझे ज्यादा डेटा मिला नहीं, बट हां रिबॉन रिच ने अभी रिसेंट में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा था तो उसको मैं टॉप 5 में कंसीडर कर ले रहा हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेकंड हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा था वो था स्काई कैसल, जिसको भी रिसेंट टाइम में एमएक्स प्लस पर हिंदी डब में रिलीज किया गया है, जिसकी जो नेशनल वाइड रेटिंग थी वो थी 23.7%। भाई बस यहीं से कांड होना शुरू हुआ, मतलब रिबॉन रिच ने सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो को पीछे छोड़ा और अब जाकर के जो रिसेंट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग उसने स्काई कैसल को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब अभी वो सेकंड पोजीशन पर है और जो करंटली उसकी रेटिंग है परसेंटेज में वो 24.9 की है, पर स्टिल 2 एपिसोड अभी बाकी हैं फिनाले आने में। क्वेश्चन आता है कि नंबर 1 पर कौन है जिसको रिबॉन रिच को हराना है, तो वहां पर कोरियन ड्रामा आता है 2020 में रिलीज हुआ द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड। आई नो कि आप में से काफी लोगों ने इस कोरियन ड्रामा का अभी तक तो नाम भी नहीं सुना होगा। जान लो कि जो वर्ल्ड ऑफ द मैरिड है वो केबल नेटवर्क पर सबसे टॉप पोजीशन पर आता है, जिसकी जो करंट रेटिंग है वो 28.37 की है। मतलब आने वाले 2 एपिसोड में रिबॉन रिच को 4% की जंप लेना है इस कोरियन ड्रामा को हराने के लिए, और इन केस अगर ऐसा होता है फिनाले अगर उसका दमदार निकल जाता है तो डेफिनेटली जो रिबॉन रिच वो हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामा हो जाएगा केबल नेटवर्क के हिस्ट्री में। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। अगर मुझसे डेटा शो करने में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो माफ कर देना, ज्यादा मुझे पता नहीं है। बाय द वे रिबॉन रिच को अभी मैं देख रहा हूं, अगर खत्म होता है तो इसका फुल रिव्यू चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं इसका एक फुल रिव्यू कर दूंगा। अदरवाइज आपको क्विक रिव्यू जो था वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे और कुछ मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो कवर किया तो जाकर के चैनल पर चेकआउट मार सकते हो। इसको लाइक करना, प्लीज शेयर जरूर करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।